सो हेलो दोस्तों, मैं स्वर्णदेव वापस आ चुका हूं आप सबके साथ एक और नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे मैं आपको एलिफेंटा केव्स के टूर पे ले जाऊंगा। वैसे ये मेरा पूरा वीडियो लगभग फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, सो दैट आप कम से कम टाइम में पूरा एलिफेंटा केव्स घूम सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एलिफेंटा केव्स कैसे पहुंचा जाए। एलिफेंटा केव्स पहुंचने का सफर हम लोग चालू करेंगे CSMT मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। यहां से आपको बहुत सारे बसेस मिल जाएंगी जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक छोड़ेगा। एक है 111 जो डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया तक ही जाता है, एक है 108 जो कमला नेहरू पार्क तक जाता है, और ये गेटवे के सामने वाले जो चौक है वहाँ आपको छोड़ देगा। अब गेटवे ऑफ इंडिया से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए बोट मिल जाएंगे। उसका प्राइस आपका 260 रुपीज़ है और ये टू वे जर्नी का मतलब बोट का प्राइस है। ये बोट आपको 260 रुपीज़ में गेटवे ऑफ इंडिया से ले जाके एलिफेंटा केव्स ले जाएगा और वापस एलिफेंटा केव्स से आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक भी लेके आएंगे इसे 260 रुपीज़ के अंदर में। सो अभी हम गेटवे से आके एलिफेंटा आइलैंड पे उतरे हैं। यहाँ आपको बोट राइड के टाइमिंग अप्रॉक्स 1 आवर लगता है और जैसे मैं आपको प्राइस बताया था 260 रुपीज़ है बोट का प्राइस टू वे का। अब यहाँ से हम टॉय ट्रेन राइड करेंगे और इसका प्राइस आपको 10 रुपीज़ लगेगा। वैसे आप चाहें तो ये वॉकिंग पे भी जा सकते हैं। सो गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट लेके एलिफेंटा केव्स तक पहुँचना है, उसका प्राइस आपको 260 रुपीज़ पड़ेगा। फिर अगर आप टॉय ट्रेन में आना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ दे के टॉय ट्रेन में आ सकते हैं। आप चाहे तो वॉकिंग पे भी आ सकते हैं। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं एलिफेंटा केव्स में। आपको स्टार्टिंग में खाने वाने के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ आपको एंट्री का 5 रुपीज़ लगेगा। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होता है। यहाँ से आप चाहे तो पालकी में बैठ के भी जा सकते हैं। इसका 1 वे का प्राइस मतलब बस ऊपर चढ़ने का प्राइस 1500 रुपीज़ है, और अगर आप 2 वे मतलब ऊपर भी चढ़ना चाहते हैं और नीचे भी आना चाहते हैं इसका प्राइस आपको 2000 रुपीज़ है। वैसे अगर पैदल भी जाते हैं तो आप इन दुकानों को देखते देखते घूमते घूमते आराम से ऊपर पहुंच सकते हैं। इसमें आपको अप्रॉक्स 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। फिर ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ 40 रुपीज़ का टिकट देना पड़ेगा अगर आप केव्स घूमना चाहते हैं तो। अब जानते हैं एलिफेंटा केव्स के बारे में। एलिफेंटा केव्स कुछ केव टेम्पल्स के कलेक्शन से बना है। यहाँ आपको मेनली हिंदू भगवान लॉर्ड शिवा का मंदिर देखने को मिलेगा। वैसे इस आइलैंड को एलिफेंटा आइलैंड के अलावा घरापुरी भी कहा जाता है। घरापुरी का मतलब है सिटी ऑफ केव्स। ये केव मुंबई से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स की दूरी पे ईस्ट साइड पे बसा हुआ है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से 2 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ आपको 7 केव्स देखने को मिलेंगे जिनमें 5 हिंदू केव्स हैं और 2 बुद्धिस्ट केव्स। अब आते हैं केव नंबर 1 में। केव नंबर 1 को मेन केव, ग्रैंड केव या ग्रेट केव भी कहा जाता है। वैसे ये केव में आपको बहुत सारे मूर्तियाँ और उनकी आकृति देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको सदाशिव त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर रूप, गंगाधर, शिव पार्वती विवाह, नटराज जैसे कई अन्य प्रतिमाएं आपको यहां देखने को मिलेंगी। सो एलिफेंटा केव्स में घूमते घूमते हमें भैया लोगों से मुलाकात हुआ। भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवनीत कुमार है। मैं यहां पे ट्रेनिंग के पर्पज से आया था, बट यहां टाइम बचा तो घूमने एलिफेंटा केव में आया हूं। यहां बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे अच्छा तो यहाँ पे एलिफेंटा जो फेरी आती है ना वो गेट ऑफ इंडिया से, वो सबसे अच्छा बेस्ट व्यू होता है देखने के लिए। और ताज का तो व्यू का नाम ही सब लोग जानता है कि इतना मस्त है ताज। तो वहाँ से जो व्यू देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। और जो केव है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको
संरक्षित किया जाता है ताकि बहुत सारे टूरिस्ट सब आएँ और अच्छे से मतलब इन्जॉय करें, इसलिए घूम सकें। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा। हाँ, तो पहले टाइम में जब यहाँ बारिश होती थी ना, पूरा यहाँ पे नहीं होता था, पानी गिरता था, रिसता रहता था पानी। हाँ, बारिश गिरता रहता था, ऐसा लगता था ना जैसे कि क्या बोलते हैं वाटरफॉल हो रहा हो, ऐसे लगता। अच्छा। था। और अच्छा व्यू होता जब आप आएंगे ना मानसून सीजन में। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा। भैया आपका भी नाम बता दीजिए। महेश राठवा। और भैया आपका नाम? अभय गुप्ता। अभय गुप्ता, कहाँ से आप लोग? यही लोकल? नहीं, हम लोग बिहार से हैं। बिहार से? बिहार से, बट जॉब करते हैं अहमदाबाद में और यहाँ पे आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज। ट्रेनिंग? अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया हम लोग का, फिर आज ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। अच्छा अच्छा, तो आज घूमना हो जा रहा है? आज घूमना है। वैसे अभी हम जो केव में एंट्री कर रहे हैं ये भी केव वन का ही एक पार्ट है। आप चाहे तो अंदर से भी जा सकते हैं या ऐसे बाहर वाले रास्ते से भी आप केव वन का जो सेकंड पार्ट है वहां भी आप घूम सकते हैं। फिर केव वन से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां रेस्ट करने के लिए जगह भी मिल जाएगा। अब केव वन घूमने के बाद अभी हम लोग बढ़ रहे हैं केव टू की ओर। ये केव आपको अधूरा मिलेगा। इसका फ्रंट 1970 में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर इसको रिस्टोर किया गया था। केव टू के जस्ट बाजू में आपको केव थ्री भी मिलेगा। केव थ्री में आपका 6 पिलर्स वाला बरामदा आपको देखने को मिलेगा। इस बरामदे के पीछे आपको 3 चेंबर्स मिलेंगे। केव फोर कुछ ज्यादा ही डैमेज्ड कंडीशन में है। ये आपको बता दे, यहाँ बड़ा सा आपको बरामदा दिखेगा, वो भी विदाउट पिलर्स के। ऐसा माना जाता है ये भी महादेव का एक मंदिर था। वैसे अभी हम जिस रास्ते से केव फाइव की ओर बढ़ रहे हैं, कम्प्लीटली यही रास्ते से हम लोगों को पूरा केव 4, 3, 2, 1 होते हुए हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। फिर आता है केव फाइव, ये भी अधूरा है और यहाँ आपको कुछ भी अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे। अब केव्स घूमने के बाद हम फिर से नीचे आ गए हैं और हम टॉय ट्रेन में बैठ के वापस बोट या फेरी की ओर जा रहे हैं। वैसे पहले मैं जो टॉय ट्रेन आपको दिखाया था वही 10 रुपीज के अंदर इसका भी टिकट का प्राइस इंक्लूडेड है, मतलब 10 रुपीज में आपका 2-वे जर्नी रहता है टॉय ट्रेन का। फिर अब हम बोट पे वापस गेटवे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको बर्ड्स भी मिलेंगे जिन्हें आप चाहें तो कुछ खिला भी सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं आप जिस बोट में आए हैं आपको उसी बोट में रिटर्न जाना है, आप चाहे तो दूसरे बोट में भी जा सकते हैं। हर 30 मिनट्स में यहाँ से एक एक बोट छोड़ता रहता है। वैसे आपको यहाँ आने के लिए फर्स्ट बोट मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 5 PM तक मिलेगा। एलिफेंटा केव्स मंडे को क्लोज रहता है। सो अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया वापस पहुँच चुके हैं और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।